हेलो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर मोड़ो आर्क का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है जहां हमें गोकू और वेजिटा के साथ मोड़ो के फाइट का कंक्लूजन पता चलेगा। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर तुमने अभी इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक्स तुम्हें इस वीडियो के ऊपर दिख रहे होंगे। सो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। वेजिटा के साथ मोड़ो का फाइट शुरू हो गया है जहाँ वेजिटा मोड़ो पे एक के बाद एक अटैक करता रहता है, लेकिन मोड़ो के ऊपर वेजिटा के अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो वेजिटा के अटैक्स को रोक के उसे एक किक मार के ही दूर फेंक देता है। मगर वेजिटा फिर से उठ के मोड़ो पे अटैक करने लगता है, जो देख के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मोड़ो वेजिटा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इतना पावर गैप ट्रेनिंग से सरपास नहीं हो सकता। वही अब वेजिटा के अटैक्स मोड़ो पे लैंड करने लगते हैं, जब मोड़ो भी वेजिटा को पकड़ के उसे जमीन पे फेंक देता है, लेकिन वेजिटा फिर से उठ के मोड़ो पे अपने अटैक्स करता रहता है। हम मोड़ो के शरीर से कुछ लाइट बीम जैसा बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो गोकू भी देख लेता है। और हमें पता चलता है वेजिटा अभी तक फोर्स स्पिरिट फ्यूजन नाम का एक मूव यूज कर रहा था, जिसका यूज करके मार मार के वो मोड़ो के एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जिससे मोड़ो फिर से बुढ़ा जैसा दिखने लगता है। और इसी के साथ मोड़ो और वेजिटा के बीच फाइट चलता रहता है, और वेजिटा के एक एक मूव के साथ मोड़ो की और एनर्जी बाहर निकालने लगती है, और ये एनर्जी वापस उसी प्लैनेट्स में लौट जाती है जहां से वो आई थी, जिसके फलस्वरूप उस प्लैनेट के बसे हुए लाइफ भी वापस जिंदा होने लगते हैं। वही वेजिटा मोड़ो को बुरी तरह मारता जाता है, जिसकी वजह से मोड़ो अब और ज्यादा बुढ़ा हो गया है। जब वेजिटा मोड़ो को हमेशा के लिए खत्म करने का डिसाइड करता है, मगर अभी तक मोड़ो के पास एक बैकअप प्लान बाकी है। वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से गायब होकर उड़ जाता है और वापस अपने शिप में जाके वही अपने एक मिनियन को मार देता है, जिसके बाद वो 7-3 को पकड़ के उसे पूरा ही निगल जाता है। और तब हमें पता चलता है कि मोड़ो ने 7-3 के अंदर पहले से ही अपने पावर का एक बैकअप रखा था, जो देख के वेजिटा मोड़ो के साथ उसके शिप को ही तबाह कर देता है। मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, मोड़ो वेजिटा को मार के ही नीचे गिरा देता है। और अब मोड़ो अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में पहले से भी ज्यादा पावरफुल होके वापस आ गया है, और सबसे बुरी बात तो यह है कि अब उसके पास 7-3 की कॉपी एबिलिटी भी आ गई है। मगर वेजिटा फिर भी हार मानने से कोसों दूर है, वो अपने फुल पावर से मोड़ो पे अटैक करने लगता है, मगर उसके सारे अटैक्स को मोड़ो आराम से डॉज कर देता है। और अचानक वेजिटा के पीछे जाके उसके सारे एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है, और आगे ये भी डिबील होता है कि मोड़ो के कॉपी एबिलिटी का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जिसके बाद वो वेजिटा के बिग बैंग का यूज करके उस पे ही अटैक करके उसे नॉकआउट कर देता है। वही दूसरी तरफ डेंडे ठीक करता है कि वो नीचे आके सबकी एनर्जी रिस्टोर करेगा, जिसके बाद वो वहाँ से उड़ के बैटलफील्ड की तरफ निकल जाता है। और यहाँ कुडिरिन भी कुछ सेंजुबिन्स के साथ बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा है, मगर उसे भी डर है कि वो टाइम पे पहुंच पाएगा कि नहीं। और यहाँ बैटलफील्ड में गुहान और पिकोलो किसी तरह अपनी बची कुची एनर्जी जुटा के मोड़ो पे हमला करने लगते हैं, लेकिन मोड़ो उन सब पे भारी पड़ता है। मगर तभी गुहान मोड़ो को किसी तरह ट्रैप कर लेता है, और तभी गोकू उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है, जिससे मोड़ो का बस एक हाथ ही तबाह हो पाता है। लेकिन तभी मोड़ो अपने उसी हाथ को रिग्रो करके गोकू के छाती के आड़ पार कर देता है, जिससे गोकू अब अधमरा हो चुका था, जो देख के गुहान गुस्से में मोड़ो पे हमला करने लगता है, लेकिन उसे भी मोड़ो अपने एक ही ब्लो से नॉकआउट कर देता है। वही पिकोलो अब अकेला खड़ा है जब देंदे उससे टेलीपैथिकली कॉन्टेक्ट करके अपना प्लान बताने लगता है, जो मोड़ो भी सुन लेता है। और एज ए काउंटर मेजर वो बैटलफील्ड के चारों तरफ एक बैरियर लगा देता है, और उस बैरियर के अंदर वो सबको मारने लगता है, जो देख के पिकोलो एज ए लास्ट रिजॉर्ट मोड़ो को हराने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का प्लान करता है। मगर तभी मोड़ो पिकोलो के बीम का यूज करके ही उसके पेट के आड़ पार कर देता है, और अब पृथ्वी के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स अधमरे हालत में पड़े हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ हुई साके डेंदे को बैरियर के अंदर जाने का रास्ता बना देता है, और वही हम देखते हैं कि जाको के साथ किसी और का लेजर आके मोड़ो से टकराता है, जो कोई और नहीं मीरस है, जो आगे बोलता है कि वो गोकू की बची हुई ट्रेनिंग पूरा करने आया है, जिसके बाद ही मीरस और मोड़ो का बैटल शुरू हो जाता है। और मीरस अपने यूआई का यूज करके मोड़ो पे एक के बाद एक हमला कर पाता है। वही हुईस और बीरस अर्थ पर आ गए हैं, जो गोकू और बाकी सबको बैटलफील्ड से दूर ले जाते हैं ताकि देंदे उन्हें हील कर पाए, जिसके कुछ देर में ही देंदे गोकू को हील कर देता है, और वो तुरंत बैटल में मोड़ो के खिलाफ मीरस को ज्वाइन करने निकल जाता है। दूसरी तरफ मोड़ो और मीरस का बैटल और ज्यादा फियर्स हो गया है, जहां दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं, जब गोकू भी वहां आके अपने यूआई साइन को एक्टिवेट करके मोड़ो पे हमला कर देता है, मगर इसका मोड़ो पे कोई भी असर नहीं होता। जब अचानक मोड़ो मीरस के पीछे से उसके नेक को पकड़ के उसके एबिलिटीज को कॉपी करने जाता है, लेकिन मीरस तुरंत अपने एंजल स्टाफ का यूज करके मोड़ो के हाथ को काट के अलग कर देता है। और अब मीरस और मोड़ो की फाइट फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मीरस अपने एंजल पावर का यूज करके फाइट कर रहा है। इसी के साथ मीरस मोड़ो के कॉपी एबिलिटी को सील करने के लिए दोनों हाथ और अपने फुल एंजल पावर का यूज करके उसके सिर पे लगे हुए क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर इसी के साथ मीरस ने अपना किस्मत बांध लिया है, क्योंकि एंजल्स को किसी भी हालत में न्यूट्रल रहना होता है, और वही मीरस अब ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, जिसके साथ ही वो गोकू को अपनी आखिरी एडवाइस देके हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जो देख के गोकू के साथ सब लोग डीप शॉक में चले जाते हैं।
जाते हैं। मगर गोकू ने अब एक इम्पोर्टेंट लेसन मिरस से सीख लिया है कि वो ये फाइट अकेले नहीं कर रहा है। जिसके बाद गोकू अपने आप को शांत करके जाको से पूछता है कि उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को आखिर क्यों ज्वाइन किया था। जिस पे जाको बोलता है कि उसने गैलेक्टिक पेट्रोल को ज्वाइन गैलेक्सी में शांति बनाए रखने के लिए किया था। जो सुन के गोकू भी एग्री करता है और बोलता है मिरस भी यही चाहता था और खुद भी इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जिसके बाद गोकू के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिससे चारों तरफ तूफाने चलने लगती है। मगर तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और हम गोकू को उसके परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में देखते हैं, जो फॉर्म देख के मोरो घबरा जाता है और गोकू पे हमला करने जाता है। मगर गोकू अब लाइट स्पीड तक पहुंच चुका है। वो मोरो के सारे अटैक्स को आराम से डॉच करके बस अपने रिस्ट के मूवमेंट से उसे दूर फेंक देता है। मोरो के किसी भी अटैक का गोकू पे कोई भी असर नहीं होता। जब मोरो अपने फुल पावर में चार्ज अप करके गोकू पे अटैक करने आता है, मगर गोकू अपने नए पावर्स के साथ मोरो को हवा में ही रोक लेता है और एक जोरदार पंच करता है जिसकी शॉक वेव पूरे अर्थ तक फैल जाती है। मोरो अब अधमरा हो चुका था लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने मैजिक का यूज करके लावा निकाल के गोकू पे अटैक करने लगता है, मगर गोकू उसे उसी के फायर में ही लात मार के जला देता है और उसके पेट में एक और लात मार के मोरो को दूर भेज देता है, जिससे मोरो पत्थर के नीचे फंस जाता है और इस हालत में वो गोकू से अपनी जान की भीख मांगता है। जब गोकू डिसाइड करता है कि वो एक गैलेक्टिक पेट्रोल एजेंट की तरह नहीं बल्कि एक अर्थ के वॉरियर की तरह लड़ेगा, जिसके बाद ही गोकू मोरो को पत्थरों से आजाद कर देता है। और तभी कुरिन भी वही सेंजुबिन्स लेके पहुंच जाता है, जिसे गोकू लेके एक सेंजुबिन मोरो को दे देता है ताकि ये बीन्स खाके मोरो प्रिजन में वापस लौट जाए, और जो खाते ही मोरो अपनी सारी एनर्जी वापस गेन कर लेता है। मगर विलेन कभी भी ऐसे ही नहीं मानते हैं। वो अपनी एनर्जी वापस पाते ही गोकू पे हमला कर देता है, मगर इस बार उसके हाथ गोकू के बॉडी के आर पार तो होना दूर की बात है, उल्टा टूट जाते हैं। जब गोकू मोरो को ट्रेनिंग के बारे में बोलता है जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता था, वो भी बिना किसी एनर्जी को रिवार्ड किए, मगर मोरो यहाँ अपनी डिफीट से टूट चुका है। लेकिन तभी उसे गोकू के पीछे अपना ही कटा हुआ हाथ दिखता है, जो कि उसके और मिरस के बैटल में मिरस ने काटा था और उसके अंदर मिरस के कॉपी एबिलिटीज है। जब मोरो तुरंत अपना वो हाथ खींच के अपनी बॉडी में लगा लेता है और एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर लेता है, और अब मिरस के पावर की वजह से मोरो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। जिसके बाद दोनों ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके फाइट करने लगते हैं, और जब दोनों के पंच टकराते हैं तो बहुत बड़ा धमाका होता है, जो देख के गोकू मोरो को दूर ले जाके उससे फाइट करने लगता है। मगर तभी इसी फाइट के बीच में मोरो के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसकी बॉडी फूलने लगती है क्योंकि एंजल्स के पावर को कंटेन करने के लिए उसकी बॉडी ये खुद ब खुद करने लगती है। जब गोकू मोरो को मिरस की एबिलिटीज छोड़ देने बोलता है क्योंकि मोरो अब अपनी लिमिट पे है, मगर मोरो गोकू की एक नहीं सुनता, इसलिए गोकू मोरो को मार के नीचे गिरा देता है और व्हिस भी गोकू को मोरो को जल्द से जल्द मारने का एडवाइस देता है। मगर अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मोरो इस एंजल पावर को संभालने के लिए पूरे प्लेनेट के साथ ही मर्ज हो जाता है, जिसपे व्हिस बोलता है कि ये पूरा प्लेनेट ही अब एक बॉम्ब बन चुका है, जिससे ऐसा बड़ा धमाका होगा कि पूरी गैलेक्सी ही तबाह हो जाएगी। जिसके बाद ही मोरो पूरे प्लेनेट की एनर्जी डिवर्ट करने लगता है, जिसे रोकने की गोकू कोशिश तो करता है, मगर मोरो अब पूरे प्लेनेट से ही मर्ज हो चुका था। वो हर कई से हाथ निकाल के गोकू को मारने लगता है, और कोई रास्ता ना देख के मिरस आखिर में बैटल को ज्वाइन करने का प्लान करता है। मगर तभी उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट तुरंत मिरस के मैटर को लेके बात करने के लिए बुला लेते हैं, जो सुन के मिरस घबरा के निकल जाता है। मगर जाते जाते व्हिस गोकू को मोरो को फटने से रोकने का तरीका बता के जाता है। वो बोलता है गोकू को मिरस के तरह ही मोरो के सिर का क्रिस्टल तबाह करना होगा, जिससे वो मिरस के पावर को खो देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि मोरो का क्रिस्टल गोकू को बेयरली ही नजर आ रहा है। जब वही वेजिटा के अपने पूरे पावर से फोर्स स्पिरिट फ्यूजन का यूज करके जमीन को ही पंच करने लगता है, जिससे मोरो का क्रिस्टल वापस नजर आने लगता है। जिस मौके पे गोकू मोरो के सारे हाथों को डॉज करके और उन्हें भेद के मोरो के क्रिस्टल को तबाह करने जाता है। मगर आखिरी मोमेंट पे क्रिस्टल के पास आते ही वो मोरो के सामने ट्रैप हो जाता है, क्योंकि गोकू के पास अब इनफ गॉड पावर नहीं है, जो सुन के जाको तुरंत वहां से कहीं और के लिए निकल जाता है। और यहां बाकी सब आके गोकू को अपनी एनर्जी देने लगते हैं, मगर ये सब एनर्जी लेके भी गोकू सुपर सैयन ब्लू तक पहुंच पाता है। और दूसरी तरफ जाको माजिन बू को ढूंढते हुए सैंक्टम में पहुंच जाता है, मगर इस तरफ बैटलफील्ड में सारी होप जा चुकी थी और मोरो भी अब पागल हो गया था। लेकिन तभी सबके डिस्पेयर के बीच एक बड़ा एनर्जी का गोला उनकी तरफ आता है, और हम दूर लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के साथ ऊब को देखते हैं, जो वही बच्चा है जिसके पास लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के गॉड पावर्स है, जो कि इविल बू का रीइंकार्नेशन है। जब और देर ना करके वेजिटा ये एनर्जी गोकू को दे देता है, जिसे पाके तुरंत गोकू अपना जायंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अनलॉक कर लेता है और मोरो को ओवर पावर करके उसके सिर पे लगे हुए क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और धुआं हटने के बाद हम रबल्स के बीच गोकू को विक्टोरियस देखते हैं। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल सुपर मोरो आर्क की कहानी यही पे खत्म हो जाती है, जहां गोकू और वेजिटा ने मिल के मोरो जैसे मॉन्स्टर को हरा दिया है। और अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आई तो मुझे कमेंट में बोलना। इसके बाद मैं ग्रेनोर आर्क को भी कवर करूंगा। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।